पंजाब की सियासत का अहम मुद्दा बनी एसवाईएल नहर पर शुरू हुई सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों भारी संख्या में पंजाब जाकर एसवाईएल की खुदाई का सफल प्रयास कर चुकी नैलो ने हरियाणा को एसवाईएल का पानी दिलवाने के लिए एक बार फिर हुंकार भरी है, जिसके चलते आज इनेलो देश की राजधानी के गलियारों में एसवाईएल का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाएगी और संसद का घेराव करेगी। इनेलो के इसी बयान के बाद हरियाणा में बयानबाजी की राजनीति भी तेज हो गई है। इनेलो के इस ऐलान पर चुटकी लेते हुए हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने इसे महज एक राजनीतिक शोषा करार दिया है। अनिल विज ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे तमाशे करती रहती हैं। अंबाला से जान टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। राजनीतिक कार्रवाई है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे पहले हुआ कि गए थे एसओईएल को खोदने के लिए और वहाँ से पंजाब सरकार की रोटियाँ खा के वापस आ गए। ऐसे ही है, पॉलिटिकल पार्टियां तमाशे करती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अम्बाला जिले के बतौर प्रभारी वहां हाजिर हुआ हूं। अम्बाला जिले की समस्त कार्यकारिणी सभी साथियों की मीटिंग ली गई। कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों में बहुत उत्साह है। इन्होंने 23 जनवरी को जो जलयुद्ध का प्रथम प्रदर्शन शंभू बैरियर के पास था उसमें भी अम्बाला जिला प्रथम था, और 15 मार्च को जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन होना है, पार्टी का कार्यक्रम है कि वहां प्रदर्शन करके हम प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि हरियाणा के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है।